हेलो स्टूडेंट, नालंदा गाइडेंस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। ये कह रहा है कि लेंचो की समस्या क्या थी, जो उसने उसकी आशा और उसकी आशा क्या थी। इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। देखिए, द रेन विद हेवी हेल स्टॉर्म हैड रियूंड लेंचो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, सो ही वाज सैड, हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। वो जो है कि क्या कह रहा है कि बर्फ और बारिश के तेज होने के कारण उसके खेत में पकी हुई मक्के की फसल नष्ट हो जाती है। सो ही वाज सैड, इसलिए वो दुखी था। हिज ओनली होप, उसका केवल एक ही विश्वास था, किस पर? गॉड पर। तो इसका आंसर आप लोग लिख देंगे। ये आंसर आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। द रेन विथ हेवी हेल स्टॉर्म हैड रियूंड लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, सो ही वाज सैड, हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस आंसर को आप लोग नोट कर लीजिए और इसे पढ़ लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। यानी लेंचो को मनी की आवश्यकता थी और उसने जो है कि कितने रुपये रिसीव किया। इसका उत्तर देखिए, लेंचो नीडेड 100 पेसोज टू सो हीज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप। यानी लेंचो को 100 पेसो की ज़रूरत थी, जो उसकी अगली फसल तक जीवित रहने के लिए जो है कि उसकी आवश्यकता थी। ही रिसीव ओनली 70 पेसेज, और उसने रिसीव कितना किया, केवल 70 पैसे उसको मिले। तो ये आंसर आपका हो गया और इसको जो है कि आप लोग तैयार करके जाइए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए कह रहा है हाउ डिड अने जस्टिफाई हर बींग एक चैटर बाक्स इन हर इस ऐसे। यानी ये अने को चैटिंग बाक्स पर लेटर लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए कहा गया है। इसके द्वारा उनके टीचर के द्वारा, क्योंकि क्लास में वो ज़्यादा बातचीत करती थी। इसका आंसर देखिए, सी गेव टू आर्गूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटर बाक्स, वन दैट चैटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड्स एंड अदर रीजन। ये देख लीजिए, जो कि आना चाहिए, थोड़ा सा कट रहा है। सी गेव टू आर्गूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटर बाक्स वन दैट चैटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड्स एंड अदर रीजन दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स। यानी अपने बचाव में एनी ने जो है कि दो तर्क दिए चैटर बाक्स पर निबंध लिखने के लिए। एक कहा कि जो स्टूडेंट जो है कि ज़्यादा बातचीत करते हैं वो उनकी आदत होती है, और जो दूसरे होते हैं उनकी जो है कि ये जन्मजात जो है कि गुण होते हैं। तो इस तरह से जो है कि बातचीत करना बच्चों का जो है कि ये नेचर है। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न का आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की जो है कि मुख्य फसल क्या थी। आंसर देखिए, कह रहा है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी आफ्टर मानसून द एयर ब्रीथेज ऑफ इनविगोरिएटिंग कॉफी विथ कॉफी स्टेट एंड बंगलोवस
पकड़ा जो है कि अंडर ट्री कैनोपीज। यहाँ पर जो है कि बंगलेलियस जो है कि टैक्डर जो है कि था अंडर ट्री कैनोपाइस। इस तरह से जो है कि इस प्रश्न को जो है कि आप लोग इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। द मेन क्राप ऑफ कूर्ग इज काफी आफ्टर मानसून्स। द एयर ब्रीथेज ऑफ इनवेगोरेटिंग कॉफी विद कॉफी स्टेट्स एंड बंगलेस टक्ड अंडर ट्री कैनोपीस। ये जो है कि वहाँ की मुख्य फसल थी काफ़ी, जो बंगलो ये कूर्ग की मुख्य फसल काफ़ी थी, और इसके बारे में वहाँ के मौसम, वहाँ के जो है कि वातावरण और पेड़ पौधे जो है कि काफ़ी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम। कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा? इस प्रश्न का उत्तर देखिए। तो वली इज ट्राइंग टू बिहेव मोर नेचर देन हर एज। सी इज ट्राइंग द लुक ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। द कंडक्टर इज एन्यूज एट हर बिहेवियर एंड एफर्ट टू टीच हर काल हर मैडम। यानी कंडक्टर ने जो है कि वली के जो है कि उनके जो है कि हाव भाव को देख करके और उनके ओवर रिएक्ट को देख करके क्या कहा जो है कि उनको जो है कि एन्यूज एक तरह का जो है कि ऐसे शब्द का जो है कि उपहास या मजाक के तौर पर जो है कि उनको जो है कि चिढ़ाने के लिए जो है कि उनके व्यवहार को देख करके वली मैडम कहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर ये आपका हो गया। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग परीक्षा की तैयारी में इस प्रश्नों को तैयार करके जाइए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अने फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। अन्य जो है कि अपने डायरी में जो है कि माता पिता के बारे में क्या जो है कि लिख रही है, तो ये जो आंसर देखिए क्या कह रहा है। इन हर डायरी अने टेल्स अस अबाउट हर फादर एंड हर ग्रैंड मदर। सी स्टेट्स दैट हर फादर वॉज द मोस्ट एडरेबल फादर सी हैड एवर सीन फॉर हर ग्रैंड मदर। सी राइट्स दैट सी लव्स हर ग्रैंड मदर एंड रिमेंबर हर ए लॉट। यानी माता पिता के द्वारा जो भी उनको बातें बताई गई है एडरेबल फादर के बारे में, तो एडरेबल फादर उसके बता रहे हैं, तो उसके बारे में जो है कि वो अपने याददाश्त के लिए, रिमेंबर के लिए वो बहुत सारी चीज़ें अपनी डायरी में लिखती थी। अगला है हाउ डू द पीपुल ऑफ कूर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। हाउ डू द पीपुल ऑफ कूर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या है। द कल्चर ऑफ कूर्ग इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर। दिस इज विजिबल फ्रॉम देयर मॉर्टियल ट्रेडिशन मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द अरब्स एंड कुर्द्स। इट इज बिलीव्ड कुर्ग आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक आर अरेबिक डिसेंट। ये जो है कि ये कुर्ग के और हिंदू
जो है कि मेन स्ट्रीम के बारे में ये बताया गया है कि वहाँ के कल्चर के लोग जो है कि काफ़ी डिफरेंट थे, जो हिंदू कल्चर में था जो दिखाई दे रहा था उनमें मोर्टियल था, ट्रेडिशन था, मैरिज था एंड जो है कि रिलीजियस राइट्स, द लॉन्ग ब्लैक कोट विद और उनके पहनावे को लेकर के और उनके एम्ब्रॉयडर वेस्ट बेल्ट वार्म बाई द अरब एंड जो है कुर्द, ये जो है कि बिलीव करते थे आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक आर अरेबिक डिसेंट। ये प्रश्न तो इसमें जो है कि एक बार फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को, द कल्चर ऑफ कुर्ग इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर, दिस इज विजिबल फ्रॉम देयर मोर्टियल ट्रेडिशन मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, द लॉन्ग ब्लैक कोट और उनके पहनावे के बारे में, द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वार्म बाई द अरब्स एंड कुर्द्स, इट इज बिलीव्ड कुर्ग आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक आर अरेबिक डिसेंट। इस प्रश्न का ये उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर वेयर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग वेयर वेयर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग वाट वाज प्रांजल्स फादर देयर, यानी प्रांजल और राजवीर को जो है कि कहाँ जा रहे थे घूमने के लिए, तो उनके फादर कहाँ बुलाए थे, तो अब इसका आंसर सुनिए। उनके फादर चाय बागान में थे, तो चाय वाले पार्ट से है ये। तो राजवीर एंड प्रांजल वे आर गोइंग टू असम एज प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड समर यानी गर्मी की छुट्टी को व्यतीत करने के लिए वकेशन देयर। प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन, ये जो है कि प्रांजल के पिता क्या थे वहाँ पर टी गार्डन में जो है कि मैनेजर थे इन अपर असम यानी ऊपरी असम के भाग असम में। सो ही वांटेड राजवीर टू विजिट टी गार्डन सो दैट ही नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टी, यानी चाय के इतिहास के बारे में, ऐतिहासिकता के बारे में बताने के लिए ये इन लोगों को जो है कि समर की छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में वहाँ पर बुलाए थे। तो इस तरह से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को पढ़ करके आप जाइए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द डॉक्टर टेम्पेट टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी डॉक्टर और जो है कि ट्रिकी जो कुत्ता था उसके बारे में जो है कि परमानेंट गेस्ट के रूप में, तो इसके बारे में जो है कि प्रश्न पूछा है। तो देखिए इसका उत्तर, मिस्टर हेरियट इज टेम्पेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन ही इज enjoying in tricky name, tricky के नाम पर जो है कि ये लोग काफ़ी enjoy करते थे, शराब पीते थे और खाना खाते थे। He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy that tricky's mistress Mr. Pumphrey sent for her dog, जो अपने कुत्ते के लिए जो है कि ये सब भेजती थी वो डॉक्टर
अस्पताल में खा जाते थे, तो हर डाक के लिए अपने डाक के लिए भेजती थी। तो ये जो है कि इस प्रश्न का जो है कि आपका उत्तर होगा। ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ करके जाइए। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो फॉर द बाल पार्टी। यह प्रश्न कह रहा है कि व्हाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो फॉर द बाल पार्टी। मटिल्डा बाल पार्टी में क्यों, बच्चों की पार्टी में क्यों जो है कि जाना चाहता था, गो नहीं जाना चाहता था, नॉट लगा है। तो उत्तर देखिए, मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वेयर इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, बट मटिल्डा डिड नॉट हैव ए ड्रेस सुटेबल फॉर द ओकेजन, सो सी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी। यानी मटिल्डा कह रहा है कि उसके पास जो कि सूटेबल प्रॉपर जो है कि उसके पास ड्रेस नहीं थे, इसलिए इस पार्टी में वो जाना नहीं चाहता था। ये प्रश्न काफ़ी छोटा है और इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए फिर से। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वेयर इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, बट मटिल्डा डिड नॉट हैव ए ड्रेस सूटेबल फॉर द ओकेजन, सो सी डिड नॉट वांट टू गो द पार्टी। शी वांट टू गो टू द पार्टी। इस प्रश्न का आंसर हो गया। आगे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है, वेयर स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। ये कह रहा है कि मिठाई और स्नैक्स जो है कि प्रिपेयर किया जाता है विशेष जो है कि ओकेजन पर, त्यौहार पर, विशेष फंक्शन पर। तो द स्वीट्स एंड स्नैक्स इंक्लूडिंग बॉल ब्रेड्स केक्स एंड ब्लेंड्स वेयर प्रिपेयर्ड बाय द बेकर ऑन स्पेशल ओकेजन। ये क्या किया जा रहा है पार्टी में जो कि उत्सव पर, द स्वीट्स एंड स्नैक्स इंक्लूडिंग बॉल ब्रेड केक्स एंड बैलियन वेयर प्रिपेयर्ड बाय द बेकर ऑन स्पेशल ओकेजन। यानी बेकर जो केक बनाने वाला था वो जो है कि इस पार्टी पर विशेष प्रकार के जो है कि ये जो है कि क्या कर रहा था, स्वीट एंड स्नैक बनाता था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर। कूर्ग प्रसिद्ध क्यों, किस लिए था, किसके लिए था। इट इज फेमस फॉर इट्स काफ़ी। वह अपने काफ़ी के लिए प्रसिद्ध था। स्टेट्स इवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसीज, इट्स 30% एरिया इज कवर्ड 30% एरिया इज कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। द पीपुल ऑफ कूर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। तो इस तरह से जो है कि वहाँ के लोगों के लिए जो है कि ये किस लिए प्रसिद्ध थे, तो इट इज फेमस फॉर इट्स काफी स्टेट्स इवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसीज, इट्स 30% एरिया इज कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। द पीपुल ऑफ कूर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। यानी वे लोग जो है कि वहाँ के लोग इंडिपेंडेंट होकर के जो है कि और बहादुरी का काम करते थे, इसलिए वो प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। यानी ट्रिकी के जो है कि सेव होने, सुरक्षित होने का क्या जो है कि तरीका था। आंसर,
द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू टेक हिम अवे व्हेन मिस्टर हेरियट वाज अबाउट टू टेक हिम टू हिज सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट मिस्टर पम्फ्री वेलिंग यानी उसके स्वस्थ होने के लिए जो है कि वो कर पम्परिंग स्टार्ट जो है कि वेलिंग ये जो है कि इस प्रश्न का आपका उत्तर हुआ। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, सारे प्रश्न जो है कि महत्वपूर्ण है जो हर साल किसी न किसी रूप में परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, यानी हरी सिंह किस प्रकार का एक चोर था। तो ये जो है कि क्वेश्चन आंसर देखिए, हरी सिंह इज ए स्मॉल टाइम थीफ। हरी सिंह क्या था, एक छोटे समय के लिए का चोर था। हीज रियल नेम इज नॉट हरी सिंह, उसका जो है कि रियल वास्तविक नाम हरी सिंह नहीं था। ही किप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू स्केप्स फ्रॉम पुलिस। हीज मॉड्यूल्स ऑपरेंड इज दैट ही अर्न द ट्रस्ट ऑफ द पीपुल एंड देन रोप्स देम एंड फ्लीस। ये जो है कि क्या था, हरी सिंह इज ए स्मॉल टाइम थीफ था। हीज रियल नेम इज नॉट हरी सिंह, ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम टू एस्केप्स फ्रॉम पुलिस। हीज मोडस ऑपरेंड इज दैट ही अर्न द ट्रस्ट ऑफ द पीपुल एंड देन रोप्स एंड फ्लिप्स। अगला प्रश्न कह रहा है हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल। टू सेव हिमसेल्फ ही टूक ऑफ हीज क्लॉथेज एंड बिकम इनविजिबल बिफोर पीपुल कुड फाइंड हिम। ये जो है कि प्रश्न भी काफ़ी ग्रिफिन्स का है। ग्रिफिन किस प्रकार अपने आप को जो है कि सुरक्षित कर रही थी, तो टू सेव हिमसेल्फ ही टूक ऑफ हीज क्लॉथ्स एंड बिकम इनविजिबल बिफोर पीपुल कुड फाइंड हिम। अगला प्रश्न है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी मंडेला का ओपिनियन क्या था। मंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपुल, यानी मंडेला का विचार था कि देश की महान और वास्तव में समृद्ध बने इट्स पीपुल, दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। प्योरेस्ट यानी डायमंड की तरह जो है कि शुद्ध बने। अगला प्रश्न है हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग। द डॉक्टर वाज वेरी सिंपैथेटिक टुवार्ड्स डॉग। ही वाज क्या कह रहा है, द डॉक्टर वाज वेरी सिंपैथेटिक टुवार्ड्स डॉग। ही वाज worried about Tricky's condition, he asked the time to time his health. He वो क्या करता था, समय के अनुसार उससे जो है पर उसका स्वास्थ्य को चेक करता रहता था, देखभाल करता रहता था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन what was the real disease the Tricky was suffering from, यानी Tricky किस बीमारी से ग्रसित था। आंसर देखते हैं एक्चुअली ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिजीज, यानी फिजिकल डिजीज उसके पास कोई शारीरिक जो है कि बीमारी नहीं थी। ही हैड ए वोमिटिंग
प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवर बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग ही वॉज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज वो कोई शारीरिक श्रम नहीं करता था। अगला क्वेश्चन Why did Matilda borrow the necklace? Answer: Matilda was a pretty lady born in a poor family. She was married to a clerk. Also, she suffered a lot of misery. That's why she borrowed a necklace from Madam Forestier to wear at a party. अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप यानी ये लेंचो की क्या प्रॉब्लम थी। तो द रेन विथ हेवी हेल स्टॉर्म हैड रिउंड लेंचो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न सो ही वाज सैड हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड यानी वो जो है कि एक ही चीज़ पर उसको विश्वास था किस पर केवल गार्ड पर। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव लेंचो नीडेड 100 pesos टू सो हीज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप ही रिसीव ओनली 70 pesos। अगला प्रश्न है हु वाज लेंचो वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड आंसर देखिए लेंचो वाज ए पुअर फार्मर हीज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल उसका घर कहाँ था सिचुएटेड द क्रेस्ट ऑफ लो हिल यानी निचले सतह पर था। अगला प्रश्न है Why did Lencho write a letter to God? Who received the letter and what did he do? क्या किया? तो the crop of Lencho was completely ruined by hailstorms. He believed that only God would help him. So he wrote him a letter for help. The postmaster received the letter. He read it. Then he collected some money and put it in an envelope addressed to Lencho. Lencho के जो है कि क्या कर दिया एड्रेस पर जो है कि जो भगवान को पत्र लिखा था उस पत्र को जो है कि पोस्टमास्टर रिसीव किया और पढ़ करके अपने जो है कि सहयोगियों से कुछ पैसा कलेक्ट करके उस एड्रेस पर जो है कि लेंचो के एड्रेस पर भेज दिया। अगला What twin obligation does Mandela mention? Mandela ने अपने जो है कि दो तरह के जो है कि obligation में क्या जो है कि mention किए थे तो देखिए कह रहा है कि Mandela mention that every man his twin obligation यानी दो तरह के जो है कि ऑब्लिगेशन को जो है कि उसने बताया वन इज टुवार्ड्स हिज फैमिली एक जो है कि उसके फैमिली के लिए फैमिली में कौन कौन फैमिली पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रेन एंड अनदर ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपुल हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री के लिए किया।
अगला प्रश्न है, वाई वेयर टू नेशनल एंथम सॉन्ग, यानी नेल्सन मंडेला ने दो तरह के नेशनल सॉन्ग को जो है कि क्यों बताया। आंसर, टू नेशनल एंथम्स वेयर सॉन्ग, टू नेशनल एंथम वेयर सॉन्ग, वन बाय द वाइट्स यानी एक गोरे लोगों के लिए, एंड द अदर बाय द ब्लैक्स दूसरे काले लोगों के लिए। दिस सिंबोलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट। इसलिए ये दो तरह के जो है कि एंथम को जो है कि गाया था, एक वाइट लोगों के लिए और दूसरे ब्लैक लोगों के लिए, कि इन लोगों के बीच में इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट, यानी दोनों के बीच में इक्वलिटी यानी समानता बनी रहे। व्हाई डज एन ए वांट टू कीप अ डायरी। आंसर, एन ए वांट टू कीप डायरी एज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड, यानी अन्य जो है कि डायरी को रखी क्योंकि उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था। अगला प्रश्न है, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद अने या व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, यानी उसके टीचर ने किसिंग ने अने को क्या कहा और किस तरह के जो है कि लिखने के लिए जो है कि बात कहा था। मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विद अने बिकॉज सी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, यानी बातचीत क्या है इस पर जो है कि वो क्लास में शोर कर रही थी, इसलिए जो है कि उसको चैटर बॉक्स पर एक निबंध लिखने के लिए किसिंग ने यानी उसके टीचर ने कहा। वेयर इज कुर्ग कहाँ है। आंसर, कुर्ग आर कडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। अगला प्रश्न है, वली का फेवराइट पास टाइम कहाँ होता था, कहाँ वो अपना जो है कि समय को पास करता था। वली फेवराइट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर अवे ऑफ हर हाउस एंड वाच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, यानी अपने घर के जो है कि फ्रंट साइड पर जो है कि पीछे जा कर के जो है गैलरी में वो खड़ा हो जाता था, अपना टाइम पास करता था। व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल हर ए चाइल्ड। व्हेन द एल्डरली मैन कॉल्ड हर ए चाइल्ड, वली told him that there was nobody on the bus who was a child. She had paid her fare of 30 paise like everyone else, यानी सभी यात्रियों की तरह जो है कि बल्ली भी अपना बस का किराया पेड किया। अगला प्रश्न है, Why was Lencho not surprised on seeing the money? यानी लेंचो को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो पैसे को देख करके। आंसर, लेंचो फेथ इन गॉड, लेंचो को
किस पर गार्ड पर विश्वास था, वाज सो स्ट्रांग दैट ही वाज नॉट सरप्राइज, ही वाज नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी पैसे को देख करके बली को जो है कि कोई जो है कि लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं होता।